आज दो फोरमों की ओर से जो मोर्चा शुरू किया गया है उसको 13वां दिन हो गया है, जो शंभू और खनौरी पर लगा हुआ है। और आज हम WTO के मुद्दे के ऊपर, विश्व व्यापार संस्था के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से खेती सेक्टर को विश्व व्यापार संस्था प्रभावित करेगी। इसलिए शंभू पर और खनौरी पर बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाकर इसमें आम किसानों से अपनी स्टेज से चर्चा होगी। जो हमने मांग रखी है भारत सरकार से भी, भारत खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले, उनकी नीतियां किस तरह से प्रभावित कर रही हमें, तो इसके ऊपर दोनों जो हमारे बॉर्डर्स हैं हरियाणा के साथ सटे हुए, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, विचार चर्चा होगी। शाम को फिर उसका निर्णय PC में सबके साथ साझा किया जाएगा। और कल 26 को हम लोग पूरे भारत को आह्वान कर रहे हैं कि हर गली कूचे गांव में WTO और कॉरपोरेट के अर्थी फूक दहन किए जाने चाहिए कल सुबह 26 को। और 26 को दोपहर बाद हम लोग दोनों बॉर्डरों के ऊपर 20 फुट से बड़े जो बड़े पुतले बनाएंगे, उन पुतलों का दहन किया जाएगा 26 को। और 27 को फिर दोनों फोरम, KMM किसान मजदूर मोर्चा, जिसमें मैं खुद काम करता है, 100 से प्लस ऊपर अम्ब्रेला यूनियन है उनका, ये KMM है, और SKM नॉन पॉलिटिकल, उनके ऊपर भी बहुत सारे, उनके पास भी बहुत सारे यूनियन है, वो 27 को दोनों अलग अलग हम लोग विचार चर्चा करेंगे, 28 को दोनों मिलकर एक ज्वाइंट चर्चा करेंगे, और 29 को फिर आगे का कार्यक्रम पूरे देश के समक्ष रखा जाएगा।